पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों सिख्या अते सेहत संबंधी किए गए समझौते उत्ते सवाल भी उठन लग पए ने। इत्थे ये भी दसना बनता है कि दिल्ली अते पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिक्रयोग है कि भगवंत मान ने दो दिन दिल्ली के स्कूलों अते हस्पतालों का दौरा किया अते फिर पंजाब अते दिल्ली सरकार विचाले समझौता होया है। इस समझौते तहत हुण दिल्ली की तर्ज उत्ते पंजाब विच स्कूलां अते हस्पतालां दा सुधार करन दी गल कही गई है। इस होए समझौते उत्ते आम आदमी पार्टी तो बिना पंजाब दीआं सारीआं सियासी पार्टियां ने सवाल भी चुके ने। इसे दौरान सियासी माहर प्रोफेसर मनजीत सिंह दा कहना सी कि भगवंत मान ने संसद मैंबर रहिंदिआं दिल्ली दे स्कूलां अते हस्पतालां दा दौरा क्यों नहीं कीता। प्रोफेसर मनजीत सिंह वालों पंजाब अते दिल्ली विचाले होए समझौते संबंधी दित्ती प्रतिक्रिया आओ तुहानू सुणाउंदे हां। दिल्ली दी सरकार ते पंजाब दी सरकार मिल के चलणगे, यानी सांझ बिहाली पै गई है, हद हो गई है। इस तरह कदी हुंदा, भावें इक्को पार्टी दीआं दो सरकारां होण, सरकार इत्थे एक जदों कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता जां कोई MLA साहबान बनता तो उहदी एक ओथ हुंदी है जिहदे विच उह सीक्रेसी रखनी हुंदी है कि गौरमेंट दे अंदर की कुछ चल रहा, मैं इसकी पूरी सीक्रेसी निभाऊंगा और उसकी वायलेशन नहीं है। पर नाल ही गल उस जिहड़ा वड्डा ड्राफ्ट 8 पेज का घूम रहा सीगा उहदे मुताबक ते जिहड़ा बाद विच 1 पेज का एक्चुअली साइन होया जिहदे विच ये लिखिया कि असी स्केल की सांझ ते होर नॉलेज की सांझ एक दूजे नाल पावांगे, वो इंटरनेशनल MOU ते असी लिखते देखे आ। एक सूबे की लंगड़ी सरकार केजरीवाल की जिहड़ी अद्धी सरकार आ और पंजाब की एक अहम गौरमेंट जिहदे च 92 MLA साहबान होण ते लोकां दा 42% लोकां ने सपोर्ट दे विच खड़े होकर वोटां पाईआं होण, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MP ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ TV। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ TV ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।